हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले वीडियो में हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया क्रिएट रिएक्ट ऐप से, और हम लोग ने सेटअप किया चक्रा यूआई को ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। ओके, सो यहाँ पर अभी इस वीडियो में हम लोग जो है कोशिश करेंगे जेसन सर्वर को यहाँ पर सेटअप करेंगे और यहाँ पर रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज हमारे ऐप में काफ़ी सारे राउट्स होंगे और अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स रेंडर करने पड़ सकते हैं। ओके, सो ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग करना चाहेंगे। अगर जेसन सर्वर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने पूरा एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जो आप जा करके देख सकते हैं। ओके, अगर मैं अपने यहाँ पर चैनल पर चले जाता हूँ, ओके वीडियोस, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फुल रेस्ट API इन सेकेंड्स मैंने जेसन सर्वर के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है। ये बहुत अच्छा वीडियो है, ये आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। राइट, सो यहाँ पर जेसन सर्वर बेसिकली क्या है कि एक डमी सर्वर है जहाँ पर आप API कॉल कर सकते हैं, पूरा क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जैसे पैजिनेशन हो गया और अलग अलग लिंक अप कर सकते हैं। बिकॉज कैसा है कि देखो हमारे पास यहाँ पर कोई एक सर्वर नहीं है, हम कोई यहाँ सर्वर साइड कोड नहीं लिख रहे, जैसे नोड JS रेल्स या उस तरह का कोई भी यहाँ पर कोड नहीं लिख रहे। तो अभी हम लोगों को अगर यहाँ पर करड ऑपरेशन होना मांगता है या कि तो किसी तरह का हम लोग API कॉल करें तो हम लोग को कहाँ करेंगे, हमारे पास कोई ना कोई सर्वर नहीं है, तो वो जेसन सर्वर यहाँ पर उसकी कमी यहाँ पर पूरी करेगा। ठीक है, तो जेसन सर्वर एक तरह का डमी सर्वर है जो ऐसे ही वर्क करेगा जैसे नॉर्मल सर्वर वर्क करता है और हम लोग वहाँ पर पूरा करड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। करड माने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इस तरह का सारा ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट वैसे ही वर्क करेगा जैसे एक रियल सर्वर वर्क करता है, पर एक डमी सर्वर होगा जो लोकली यहाँ पर रन करेगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप हमारे पैकेज में मैं इसको क्लोज कर दूंगा और मैं यहाँ पर ओके यहाँ पर मैं यान एड जेसन सर्वर -dev रन करता हूँ। -dev इसलिए मैं दे रहा हूँ बिकॉज ये सिर्फ मैं डेवलपमेंट टाइम में चाहता हूँ। ओके, अगर आप इसको NPM यूज़ कर रहे हैं तो NPM इंस्टॉल जेसन सर्वर यहाँ पर, और यहाँ पर डेव इस तरीके से दे सकते हैं जिससे वो यू नो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी आ जाएगा। तो अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कि डिपेंडेंसीज़ में और डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ में क्या फ़र्क होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है नहीं, पर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आपको एक डेव डिपेंडेंसी का सेक्शन यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, हम एक मिनट के लिए यहाँ वेट करते हैं। ऑलराइट, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जेसन सर्वर इंस्टॉल हो गया है और जेसन सर्वर हम लोगों को यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डिपेंडेंसी में यहाँ पर ये सारा प्रोजेक्ट है। सो इन दोनों में फ़र्क ये है कि डिपेंडेंसीज में हम वो पैकेजेस लिस्ट करते हैं जो हम लोग को प्रोडक्शन में भी चाहिए होता है। ठीक है, सो बिकॉज रिएक्ट और रिएक्ट डेव हमें प्रोडक्शन में भी चाहिए तो इसलिए हम लोग यहाँ रखते हैं, बिकॉज ये बंडल जब हम लोग करते हैं, मतलब कि हम लोग जब डिप्लॉय करते हैं तो यूजुअली हम लोग एक JS बंडल डिप्लॉय होता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमारे बंडल में जाएगी, पर जेसन सर्वर हम लोगों को प्रोडक्शन में चाहिए क्या? प्रोडक्शन में हमको मोस्ट प्रॉब्ली वो नहीं चाहिए बिकॉज एक डमी सर्वर है जो हम लोग टेम्पररली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको डेव डिपेंडेंसी बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको सिर्फ डेवलपमेंट टाइम में चाहिए, प्रोडक्शन में नहीं चाहिए, तो वो हम लोग डेव डिपेंडेंसी में यहाँ पर डालेंगे ताकि बिकॉज जब हम लोग उसका प्रोडक्शन बिल्ड बना रहे हैं जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे तभी ये पैकेज उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिसाइड करें क्या आपको सिर्फ डेवलपमेंट में चाहिए, क्या आपको सिर्फ प्रोडक्शन में चाहिए। उस बेसिस पे आप, अगर आपको प्रोडक्शन में भी चाहिए तो आप यहाँ रखें, अगर आपको सिर्फ डेवलपमेंट टाइम में चाहिए तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि हम लोग ईजिली यहाँ पर यान में आपने यहाँ देखा कि इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ऐड किया -dev, जिससे वो डेव डिपेंडेंसी में उसने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, NPM में भी इसका इक्वालेंट होगा जिससे यूज़ करके आप सिर्फ यू नो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्विक गूगल करता हूँ NPM डेव डिपेंडेंसी, यहाँ पर मैं क्विक गूगल करता हूँ और मैं यहाँ पर अगर इस लिंक को ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो NPM इंस्टॉल पैकेज का नाम और -dev डालना। ठीक है, तो यान में हमें सिर्फ ये -dev डालना होता है, पर NPM में -dev इस तरीके से डालना है। ठीक है, तो अगर आप NPM यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कमांड इस तरीके से यूज़ करें NPM इंस्टॉल जेसन सर्वर और वहाँ पर लास्ट में आप ऐड करें -dev। ठीक है, ताकि वो NPM अगर आप यूज़ करें तो ये यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट, सो अब यहाँ पर जेसन सर्वर अवेलेबल है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी सिंपली यहाँ पर हमारे पैकेज में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर ब्लॉग ऐप में यहाँ पर मैं एक इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उस फाइल का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ db.json। ठीक है, तो ये एक db.json फाइल हमारे लिए एक तरीके से
डेटाबेस के जैसे काम करेगा, और यहाँ पर जो भी हम लोग क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर हम लोग उसके चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लॉक्स करके एक एरे यहाँ बना देता हूँ, जो बेसिकली जैसे अगर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, इससे क्या होगा कि अब इस ब्लॉक्स के ऊपर हम लोग क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली यहाँ बताता हूँ, इस पैकेज जेसन में यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ ताकि हम लोग इजीली इसको रन कर सके। बिकॉज यहाँ पर अभी मैं एक स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करता हूँ, यहाँ पर जेसन सर्वर करके, ठीक है। और यहाँ पर ये बेसिकली जेसन सर्वर यहाँ रन करेगा, जो मैं डैश वॉच कमांड से रन करता हूँ, और डीबी डॉट जेसन फाइल का यहाँ नाम दे देता हूँ, और डैश पोर्ट जो यहाँ पर मैं 302 दे देता हूँ ताकि उस पोर्ट पर मैं यहाँ पर रन हो, ठीक है। और डीबी जेसन फाइल वो नाम है जो यहाँ पर हमने इस फाइल को दिया, ठीक है। तो अभी इस कमांड को मैं यहाँ रन करता हूँ, यहाँ पर एक उसी टैब में मैं कमांड टी करके एक नया टैब यहाँ ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं रन करूँगा यान रन के जेसन सर्वर, ठीक है। जिसे आप देख सकते हैं कि वो जेसन सर्वर कमांड रन करेगा, और जिससे आप देख यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्रड ऑपरेशन हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं एक पोस्टमैन टूल का यूज़ करता हूँ। पोस्टमैन अगर आपको पता नहीं है तो एक टूल है जिसे हम लोग एपीआई कॉल जैसे अगर करना है बिना कोड लिखे तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट जो यहाँ पर बना है अभी इस पर, यहाँ पर मैं अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एपीआई कॉल करता हूँ। अगर डोंट वरी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो, बिकॉज जैसे हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस एंड पॉइंट पर एपीआई कॉल करता हूँ, गेट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, और मैं सेंड बटन में दबाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्टी एरे आ गया। क्यों? क्योंकि एम्प्टी एरे इसलिए है बिकॉज हमने अभी तक कोई भी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, बिकॉज डी बी जेसन में आप जाएंगे ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। उसी तरीके से अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ जो क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर बॉडी में मैं यहाँ पर रॉ सेलेक्ट करता हूँ, ओके। और यहाँ पर रिस्पॉन्स में मैं सेलेक्ट करूँगा एप्लीकेशन जेसन, ओके। और यहाँ पर मैं टाइटल को सो यहाँ पर मैं एक डमी टाइटल इस तरीके से कुछ भी एक लिख देता हूँ, और ये भी एक की होना मांगता है टाइटल, डमी टाइटल, ओके। और यहाँ पर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, मैं यहाँ पर सेंड करूँगा। आप देख सकते हैं कि वो क्रिएट हो गया है, और यहाँ अभी आकर यहाँ पर डीबी जेसन में आएंगे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वो ऐड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये फाइल एक डेटाबेस के जैसे काम कर रहा है, और जेसन सर्वर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्रड ऑपरेशन हम लोग यहाँ परफॉर्म कर पाएंगे। अब आईडी वन है यहाँ पर, तो सिंपली मैं इस पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ ब्लॉक स्लैश वन पे, ओके। बिकॉज आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली जेसन सर्वर उसको दे देता है, और इसका आप देख सकते हैं आईडी यहाँ पर वन है, उस पर मैं डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं डीबी जेसन में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से वो रिमूव हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ब्लॉग्स होंगे, यहाँ पर कमेंट्स होंगी, जो हम लोग यही दो यहाँ पर अभी हम लोगों को दिख रहा है कि यही दो यहाँ पर एक यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर एंटिटी लगेंगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ पर ब्लॉग्स यूज़ कर सकते हैं कमेंट्स के लिए, यहाँ पर आप यहाँ पर कमेंट्स इस तरीके से यूज़ करेंगे। उस पर मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा और ऐसे यहाँ से रिमूव कर दे, आप यहाँ देख सकते हैं आपको एम्प्टी एरे आना चाहिए, ओके ग्रेट। सो इसके बारे में आपको और जानना है तो मैंने जो लिंक दिया है वहाँ पर आप जाएं और डीबी जेसन के बारे में और सीख सकते हैं, ठीक है। पर इस वीडियो में हमें काफ़ी उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ग्रेट। सो अब यहाँ पर डीबी जेसन यहाँ पर स्टार्टेड है, उसका हम लोग ने सेटअप यहाँ पर कर दिया है, तो सिंपली अभी मैं इसको यहाँ चेकमा कर देता हूँ, हम लोग ने इसको इंस्टॉल कर दिया, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर हम लोग को रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करना है, और वो इसलिए बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे हम लोग को यहाँ पर मल्टीपल राउट्स चाहिए होंगे, ठीक है। एक पोस्ट राउट्स में हम लोग यहाँ पर इस राउट में हम लोग लिस्ट ऑफ पोस्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। जो जितने भी ब्लॉग पोस्ट होंगे वो हम लोगों को यहाँ पर लिस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर स्लैश पोस्ट स्लैश यहाँ पर पोस्ट आईडी इस तरीके से होगा, ठीक है। जो यहाँ पर बेसिकली डिटेल होगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर राउट में हम लोग पोस्ट डिटेल्स रेंडर करेंगे, और यहाँ पर इस राउट में हम लोग कमेंट्स भी रेंडर करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर दो राउट दिखाई दे रहा है, और इस दो राउट को हम लोग बनाएंगे और फिर देखेंगे इसका एक्चुअल कोड कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग राउटिंग के लिए, मतलब बेसिकली कौन से राउट पे क्या रेंडर होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी राउटिंग लाइब्रेरीज है, लेकिन बाय फार ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, जिसे यूज़ करके हम लोग ईच डिफरेंट डिफरेंट राउट्स पे, राउट्स माने क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये राउट है कि इस पर्टिकुलर पाथ पे कौन सा कॉम्पोनेंट रेंडर होना चाहिए, अगर सिर्फ गाइड्स है तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, तो इससे यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर रिएक्ट राउटर को, रिएक्ट राउटर डॉम ये इंस्टॉल करना होगा,
आप यहाँ देख सकते हैं कि React Router React Native में भी रन होता है, तो अगर React Native आप यूज़ करें तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं अपने पैकेज में यहाँ पर मैं टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यान ऐड React राउटर डॉमन, आप यहाँ देख सकते हैं मैं डैश डैश डेव नहीं दूंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ React राउटर प्रोडक्शन में भी जाना चाहिए। अगर डैश डैश डेव इस तरीके से मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज मैं प्रोडक्शन में भी चाहता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ React राउटर डॉम लिखूंगा बिकॉज मैं इसको डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ बिकॉज ये प्रोडक्शन में मेरे को React राउटर चाहिए, ठीक है। सो अभी इंस्टॉल होने देते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप वो इंस्टॉल हो गए, ग्रेट। सो अभी हम लोग उसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर सोर्स में यहाँ पर मैं आता हूँ app.js, ठीक है। पर यहाँ पर आने से पहले हमें को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो वो हम लोग यहाँ पर करने के लिए हम लोग को सिंपली यहाँ पर पूरे पैरेंट जो भी यहाँ पर होगा पैरेंट कंपोनेंट उसमें हम लोगों को राउटर उसको रैप करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट जगह कहाँ पर है करने के लिए, वो है यहाँ पर index.js बिकॉज ये सबका पैरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे ही हमने थीम प्रोवाइडर यहाँ दिया है, यहाँ पर React राउटर भी हम लोग इधर ही देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट फ्रॉम React राउटर डॉम, ठीक है। और यहाँ पर से मुझे क्या इंपोर्ट करना है, मुझे यहाँ पर से इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर, ठीक है। यहाँ ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करना है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। सो एज़ बेसिकली क्या होता है, आप इसको एलियस दे रहे हो। यहाँ पर आप ब्राउज़र राउटर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप उसको एलियस देना है, मतलब कि यहाँ पर इंपोर्ट एज राउटर दूंगा तो मैं इसको यहाँ पर एज अ राउटर यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो कोई वरी नहीं, आप सिंपली ब्राउज़र राउटर को ही यहाँ पर इस तरीके से ऊपर यहाँ रैप कर लें, ठीक है। और इस ऐप को इसके अंदर डाल लें, ग्रेट। सो अब यहाँ पर थीम प्रोवाइडर भी है, यहाँ पर ब्राउज़र राउटर भी है और यहाँ पर ऐप है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लोग कोई भी राउटिंग लॉजिक लिख सकते हैं बिकॉज ब्राउज़र राउटर ने इसको यहाँ पर रैप कर दिया है और हम लोग यहाँ पर React राउटर, बस React राउटर यूज़ करने के लिए इतना ही कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, ठीक है। अगर आप इसको एलियस देना चाहें दे सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर एज राउटर इस तरीके से दे दें, तो अब ये एलियस बन गया है और यहाँ ब्राउज़र राउटर जैसा कोई चीज़ नहीं, हम लोगों को अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा राउटर से, राइट। तो अब इस तरीके से अगर आप ब्राउज़र राउटर से कंफर्टेबल है तो वो यूज़ करें, अगर आप एलियस दे के यूज़ करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, नो वरीज इससे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग ईजिली लिंक टैग यूज़ करके हम लोग यहाँ पर अब ईजिली अलग अलग राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। लिंक कैसे वर्क करता है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर राउट्स कैसे बना सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर app.js में आते हैं और यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितना भी कोड था हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, उसको यहाँ पर ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक स्विच ऐड करूँगा, स्विच बेसिकली ये React राउटर से आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं React राउटर डॉम, तो बेसिकली अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मैंने इम्पोर्ट नहीं किया है। यहाँ पर इसको भी कोड यहाँ रिमूव करते हैं, उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्विच यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार दबाऊँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्विच यहाँ पर चक्राकोर में भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे वाले में आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट कर रहा है React राउटर डॉम से, जो कि मुझे वो चाहिए, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अब मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ फिर सिंपली यहाँ पर आके कमांड या कंट्रोल यहाँ पर आप स्पेस बार दबाएँ जिससे वो ऑटो इम्पोर्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट। सो यहाँ पर अभी मैं दो राउट्स बनाता हूँ। यहाँ पर मैं राउट जो हमने क्या प्लान किया था यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं स्लैश पोस्ट। सो यहाँ पर मैं पाथ दे देता हूँ स्लैश पोस्ट, यहाँ पर एस दे देता हूँ बिकॉज वो मल्टीपल लिस्ट यहाँ होगा, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर पोस्ट लिस्ट करके यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। और हम लोग इसका अलग कॉम्पोनेंट बनाना है, वो बाद में बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक और राउट यहाँ लिखता हूँ, ओके, राउट में यहाँ पर पाथ मैं यहाँ दे देता हूँ स्लैश पोस्ट स्लैश कोलन पोस्ट आईडी। ये कोलन आईडी आपको इसलिए देना होता है बिकॉज ये पार्ट डायनेमिक होगा, कभी 1, 2, 3 इस तरह से इंक्रीमेंट हो सकता है, पर पोस्ट एज इज रहेगा। तो जो पार्ट राउटर में आपको लगता है डायनेमिक हो सकता है, मतलब वो सेम नहीं रहेगा, चेंज होते रहेगा, तो आप उसके आगे कोलन डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं पोस्ट डिटेल करके यहाँ लिख देता हूँ, दैट्स इट। ऑलराइट, सो अभी ये वर्क करना चाहिए। मैं सिंपली यहाँ पर अभी अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ और सबसे पहले तो मैं शुरू करना पड़ेगा मुझे, मैं बिकॉज यहाँ पर मैंने डमी सर्वर यहाँ बंद कर दिया था, तो यान रन स्टार्ट यहाँ दबाता हूँ। यान रन स्टार्ट आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आप
रन को स्किप कर सकते हैं या अनस्टार्ट भी दें तो उससे भी वो शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं बस यहाँ पर यह स्क्रिप्ट स्टार्ट रन होना चाहिए, दैट्स इट। सब यहाँ देख सकते हैं कि अब मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो हम लोगों को कोई भी राउट यहाँ पर नहीं रेंडर हो रहा है, और उसका मेन कारण ये है कि बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग ने कोई इंडेक्स राउट के लिए यहाँ पर कोई हम लोग ने राउट नहीं दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप आएंगे, मैंने स्लैश पोस्ट में स्लैश पोस्ट और एक पोस्ट आईडी का राउट दिया है, पर यहाँ पर स्लैश करके मतलब इंडेक्स राउट पे कुछ नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर स्लैश पोस्ट में चले जाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि वो यहाँ पर पोस्ट लिस्ट जो है यहाँ पर टेक्स्ट दिख जाएगा बिकॉज ये राउट यहाँ रेंडर हुआ है। पर यहाँ पर इंडेक्स राउट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ दिया नहीं। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट स्लैश वन दे देता हूँ या टू या कुछ भी वैल्यू आप यहाँ दे सकते हैं, और मैं एंटर करूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर भी पोस्ट लिस्ट ही आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पोस्ट लिस्ट ही क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये पोस्ट डिटेल क्यों नहीं रेंडर हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर खाली यही रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक और राउट यहाँ बना सकता हूँ, ओके, वैसे ही सेम, और वहाँ पर मैं स्लैश इस तरीके से देख करके मैं बोल सकता हूँ कि पोस्ट लिस्ट यहाँ पर रेंडर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं पोस्ट लिस्ट यहाँ पर रेंडर होगा। वो बेसिकली यहाँ पर ये जो राउट है वो रेंडर हो रहा है। अगर मैं यहाँ ज़ीरो यहाँ पर वन इस तरीके से दूँ और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँ, आप देख सकते हैं ज़ीरो रेंडर हो रहा है, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर राउट है वो यहाँ रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी कंपोनेंट यहाँ यूज़ करेंगे वो दो अलग अलग राउट में आप यहाँ डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो। हम लोग बेसिकली ऐसे ही रखेंगे अभी, ओके, और हम लोग आगे देखते हैं कि इसको हम लोग रिफैक्टर कर सकते हैं या नहीं रिफैक्टर कर सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर अब स्लैश पोस्ट में चले जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब वो भी रेंडर नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने वन दिया है, पर यहाँ पर हमेशा ज़ीरो ही रेंडर हो रहा है। उसका कारण ये होता है कि बिकॉज़ यहाँ पर इंडेक्स मैचिंग हो रहा है, मतलब कि ये पाथ में और ये पाथ में दोनों सिमिलैरिटी, बिकॉज ये भी इसमें भी स्लैश होता है, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट आपको देना पड़ेगा। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि सिर्फ इसी राउट पे ये होगा, इसके अलावा अगर कोई और मैचिंग राउट होती है तो उधर भी ये नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर स्लैश हो, सिर्फ स्लैश ही है तभी ये रेंडर होना चाहिए, अगर उसके आगे कुछ भी अगर होता है तो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे कि अब वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वन रेंडर हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं यहाँ पर स्लैश करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो रेंडर हो रहा है, मतलब कि ये राउट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ स्लैश पोस्ट में इस तरीके से ऐड करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ वन भी रेंडर होगा। तो बेसिकली ये है कि अभी मैंने इसको एग्जैक्ट दे दिया है तो ये इसके अलावा एग्जैक्ट जो मैचिंग करता है वहीं रेंडर होगा, इसके अलावा वो कहीं पर भी रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पर स्लैश पोस्ट में हम लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है या यहाँ जो हम कंपोनेंट देंगे वो रेंडर होगा। और यही सेम प्रॉब्लम जो यहाँ पर थी वो इधर भी एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ स्लैश पोस्ट स्लैश अगर मैं कोई आईडी दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी ये कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा है, सिर्फ यही रेंडर हो रहा है। और उसका कारण भी सेम वही है जो यहाँ पर था, यहाँ पर भी हम लोगों को एग्जैक्ट देना पड़ेगा कि स्लैश पोस्ट हो तभी ही यहाँ पर हम लोगों को ये कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। अगर स्लैश पोस्ट के अलावा आगे यहाँ पर कुछ भी होता है तो हम लोगों को ये रेंडर नहीं करना है, उसके अलावा हम लोग को ये यहाँ जो राउट होगा वो रेंडर करना है। तो यहाँ पर आके मैं अभी रिफ्रेश करूँ, आप देख सकते हैं पोस्ट डिटेल इधर आ रहा है, लिस्ट नहीं आ रहा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एग्जैक्ट देना था। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है जो एग्जैक्ट मैचिंग है वही हो, उसके आगे अगर कोई किसी भी तरह का चेंजेस होंगे तो ये उसका जो प्रॉपर मैच नहीं रहेगा वो रेंडर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और सो अब यहाँ दे समझ चुके हैं, पर यहाँ पर एक राउट जो आई थिंक मेरे हिसाब से मिसिंग है वो ये है कि ब्लॉक क्रिएशन। तो ब्लॉक क्रिएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और राउट यहाँ बनाऊँगा, ओके, और वहाँ पर मैं यहाँ पर पोस्ट स्लैश न्यू इस तरीके से यहाँ दे देता हूँ, राइट, और यहाँ पर एग्जैक्ट निकाल देता हूँ और यहाँ पर आगे मैं लिखूँगा कि क्रिएट न्यू पोस्ट, ओके, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट 1 2 3 है, तो यहाँ पोस्ट डिटेल आ रहा है, लेकिन पोस्ट स्लैश न्यू यहाँ पर मैं करूँगा, आप यहाँ देख क्रिएट न्यू पोस्ट रेंडर होगा। ओके, ग्रेट। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग ने सारे नेसेसरी जो भी राउट्स हैं यहाँ पर हम लोग ने क्रिएट कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर अब आगे क्रिएट और एडिट कॉम्पोनेंट करना चाहें वो हम लोग आगे कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ।